हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्री फायर। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फ्री फायर का ऑटो बैक ब्लैक स्क्रीन एंड लैग इशू कैसे फिक्स करें। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना दिया है, बट ये सैमसंग J2 2018, सैमसंग J2 2000 प्राइम, सैमसंग गैलेक्सी जैसे फ़ोन्स में बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करने वाला है। जो मैं ये गेम खेल रहा हूँ वो सैमसंग J2 2018 के फ़ोन में खेल रहा हूँ, जिसमें ओनली 2GB रैम की फ़ोन है। पहले मैं गेम खेलता था अपने टेक्नो फ़ोन में, जिसमें 3GB रैम की फ़ोन थी और उसमें बिल्कुल भी लैग नहीं आता था, ब्लैक स्क्रीन नहीं आता था। बट मैंने इसमें बोल रहे थे भाई आप एक बार खेल के देखो कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको खेलना चालू किया इस गेम को इस फ़ोन में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, बहुत ही लैग दिखा मेरे को। लैग तो ज़्यादा नहीं दिखता फ्रेंड्स, ऑटो बैक बहुत ज़्यादा दिखता है। और जब लैग आते हैं ना भाई, पिंग हाई जाते हैं ना, ऐसा लगता है गेम बंद कर दूँ, डिलीट कर दूँ या गेम, बहुत ही तंग आ जाते हो। और बट गेम आपको ये फ्री फायर खेलना बहुत ही मज़ा आता है, इसीलिए आप डिलीट नहीं करते और इसके इश्यूज कैसे फिक्स करें इसके ऊपर ढूंढते रहते हो। तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी आने वाली वीडियोस से आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है, आपका परमानेंट लैग फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें आपको कुछ 4 स्टेप्स मिलने वाला है जिसमें आपका परमानेंट का लैग फिक्स हो जाएगा सैमसंग के फ़ोन के अंदर से, कोई भी फ़ोन नहीं। तो फ्रेंड्स आपके अंदर बहुत सारी ऐप्स रहती हैं जैसे कि जिनका कोई यूज नहीं होता, तो उनको आप डिसेबल कर दो। फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप है हमारा, इनको आपको डिसेबल कर देना। किसी में इस तरह, और जो सैमसंग के फ़ोन में रहता है तो इस तरह करता है, और अलग फ़ोन है तो कमेंट करके बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऐप शो करना है, इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ऐप्स के अंदर ज़रूर आएंगे जिनका अदर फ़ोन है, और जिनका अदर फ़ोन है उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे सारे के सारे मैंने ऐप डिसेबल कर दिए। क्यों कर दिए फ्रेंड्स, इसका रीज़न भी है, ये ऐप्स हम यूज नहीं करते और इसका बैकग्राउंड में ये ऐप चलते रहता है। फ्रेंड्स जैसे हम गेम खेलते हैं तो ये ऐप्स भी चलते रहता है। तो यहाँ पे कुछ अननेसेसरी जो हम यूज नहीं करते, जिनका कुछ यूज ही नहीं है फ्रेंड्स, इनको हमको डिसेबल कर देना है। आप गूगल को डिसेबल कर सकते हो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बट मैं गूगल यूज करता हूँ। तो अगर आप फ्री फायर को स्मूथली खेलना चाहते हो 1GB में, तो आपको गूगल को भी डिसेबल कर देना है और फेसबुक मैसेंजर को भी डिलीट कर देना। क्या भाई आप 1GB या 2GB का जान लोगे क्या? अभी फेसबुक डाउनलोड कर रहे हो तो आप, मैं बुरा मत मानना, बट आप फेसबुक डिलीट कर देते हो, मैसेंजर डिलीट कर देते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, जो है सेटिंग ऑन करना है एंड आपको ऐप्स के अंदर चले जाना है। ऐप्स के अंदर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको इसकी यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा, क्योंकि ऑल ऐप्स अनलॉक होती है। तो ये मैं वीडियो यूज बनाने के लिए और गेम खेल भी रहा हूँ, इसमें मैं आपको स्मूथली चलने वाला है। ये मेरी ट्रिक करोगे तो आपका फ्री फायर जो है 1.47.7 का जो अपडेट है उसमें आपका स्मूथली चलेगा। तो आपको इसे यहाँ पे बहुत सारे जो ऐप्स मिल जाते हैं, तो इनको क्या करना है, हम फोर्स स्टॉप कर देना है। स्टोरेज के अंदर जाके इसके क्लियर एज ऑप्शन रहता है, इसको कर देना। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मैं इस सब रीजन बताता हूँ इसको क्या करता है। इससे करने से हमारा जो अननेसेसरी डाटा रहती है इनका बैकग्राउंड में चलता रहता है, फोर्स स्टॉप करने से ये ऐप भी फोर्स स्टॉप हो जाती है। जिनको डिजेबल किया उनका तो बात ही मत करो, वो तो हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप जो बड़े बड़े ऐप रहते हैं गूगल को भी डिजेबल कर दोगे तो कुछ फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है, आप उनको भी करके क्लियर एच कर सकते हो। तो इससे क्या रहेगा, जो आपकी ऐप डिजेबल नहीं किया आप उनको फोर्स स्टॉप करके क्लियर एच कर ले, इससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, वो ऐप्स भी बैकग्राउंड में नहीं होगा। तो आप यूट्यूब को ज़रूर से ज़रूर कर ले, क्योंकि ये यूट्यूब फ्रेंड्स हमारा बहुत ही स्टोरेज लेता है। तो आप इसको क्लियर डाटा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैं इसको डिजेबल नहीं किया, इसका काम पड़ता है, तो यहाँ पे आप जाके क्लियर एज कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी कर चुका है, तो आप क्लियर डाटा भी कर सकते हो। ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया और हम थर्ड स्टेप आते हैं। थर्ड स्टेप पे भी सेम टू सेम कुछ वैसे ही रहेगा, जैसे क्रोम को मिल जाता है, ये हमको यूज आता है इसीलिए हम इसको। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको नोटिफिकेशंस,
ये ऑप्शन इसका कुछ रीजन है फ्रेंड्स, अभी मैंने ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा है। क्यों करके रखा है कि कुछ वेबसाइट अनलॉक करते हो तो इसके मैसेजेस नोटिफिकेशंस बार बार आने लगते हैं। यूट्यूब अगर सब्सक्राइब करके रखते हो आप मेरा चैनल तो थैंक्स, अगर सब्सक्राइब कर रखते हो मेरी वीडियो सी आपके पास जाती है तो उसका भी नोटिफिकेशन आता है आप में, तो इससे क्या रहेगा आप सबसे पहले नोटिफिकेशन बंद कर ले गेम खेलने से पहले। आपको गेम खेलने से पहले ये स्टेप करना है फ्रेंड्स, फोर्स स्टॉप करना है, क्लियर एज करना है, अपने अपने डाटास को करना है। और हमारा फोर्थ स्टेप क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से सुनिए, अपने ब्लडी नंबर्स में जाके डेवलपर ऑप्शन को चूज करना है। आपको बताता हूँ फर्स्ट स्टेप है, सर सेकेंड है, थर्ड फोर्थ क्या है, ये सब लास्ट में पता चलने वाला है। तो यहाँ पे जाके आप डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाके स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पे रहेगा फोर्स अलाउस एप्स और एक्सटर्नल, ये वाला ऑप्शन रहेगा, ये आपका ऑफ रहेगा। इससे क्या मदद मिलने वाली, इसका क्या रीजन है आपको अनलॉक करने से, अगर आपका एचडी कार्ड है तो जरूर से जरूर करें एचडी कार्ड आपके फोन में, इससे इंटरनल का फाइल एचडी कार्ड में चला जाता है और ये बहुत ही मदद देते हैं। यहाँ पे आपको लिखता है लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेसर, यहाँ पे स्टैंडर्ड में रहेगा, इसको नो बैकग्राउंड प्रोसेसर कर देंगे। इससे क्या रहेगा, हमारा बैकग्राउंड में एक भी ऐप नहीं चलेगा फ्री फायर के बगैर, तो फ्री फायर ही रहेगा और कोई भी ऐप्स नहीं चलेगा, जो आप रन करोगे वही ऐप चलेगा। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, डू नॉट कीप एक्टिविटी डेस्कटॉप ऐप ऑन एक्टिविटी एज सून एज देयर लीव इट, मतलब ये अनलॉक करने से सब एप्लीकेशन बैकग्राउंड के हट जाएंगे और सिर्फ जो आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो उस टाइम वही एप्लीकेशन रन करेगा और बैकग्राउंड में एक भी एप्लीकेशन नहीं रन करेगा। इससे आपको बहुत ही मदद मिलता है, बैकग्राउंड में कोई नया ऐप चलता आपके ऑटो बैक फिक्स हो जाते हैं। और इससे भी नहीं फिक्स होंगे तो आपको लास्ट में एक ट्रिक पता चलने वाली है, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखो। इनेबल 4x मासेस को इनेबल कर ले, इसका भी बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे आपको बता देता हूँ, फोर्स जीपीयू बिन अपडेट्स सो हार्डवेयर लेयर अपडेट्स, आप ये तीनों को अनलॉक करना है फ्रेंड्स, इससे हमको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और कोई बोलता है ट्रांजेक्शन ईमेल एक्सेल करो, इसको नहीं करना है फ्रेंड्स, इससे आपके फ़ोन पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसको नहीं करना है। ये तीन ऐप्स जो हैं जीपीयू अपडेट्स जीपीयू, इसको अनलॉक करना है, इससे आपका फ्री फायर का लैग फिक्स हो जाएगा। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमको उनको डिसेबल करना है, ऐप को डिसेबल करना है। और सेकेंड स्टेप क्या था, फोर्स स्टॉप करके उनको क्लियर एज करना है। और थर्ड स्टेप क्या था हमारा, नोटिफिकेशंस बंद करने थे, जिससे हमारा फ्री फायर लैग इशू फिक्स हो, नोटिफिकेशंस बंद करते हैं। और हमारा फोर्थ आप बैक जाके देख सकते हो, डेवलपर ऑप्शन में कुछ सेटिंग्स करनी थी, उससे हमारा फ्री फायर लैग इशू फिक्स हो जाता। तो यही फोर स्टेप करना था हमको इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो अगर आपको फोर्थ स्टेप अच्छे से समझ नहीं आएगा तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, वीडियो थोड़ी लंबी है, बट आपको फ्री फायर लैग इशू फिक्स हो जाएगा। फर्स्ट डिसेबल करना है, सेकेंड में आपको नोटिफिकेशंस, थर्ड में आपको नोटिफिकेशन बंद करना है, फोर्थ में आपको डेवलपर ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस अनलॉक करने हैं, इससे आपका फ्री फायर लैग इशू फिक्स हो जाता है। अगर फिक्स नहीं होता तो मैंने एक इसके ऊपर एक कॉन्फिग फाइल बना दी है, जो कि कुछ इस तरह की इसकी इमेज है, आप जाके देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब